ये साल जिन बड़ी घटनाओं के लिए याद किया जाएगा उनमें से एक है बार बार अलग अलग परीक्षाओं में सामने आ रही गड़बड़ियाँ। अभी नीट से लेकर यूजीसी नेट परीक्षा का विवाद सुलझा नहीं था कि पीसीएस जे परीक्षा में भी गड़बड़ी होने की आशंका उठ खड़ी हुई है। मामला कोर्ट में है और अगर कुछ सवालों के साफ जवाब आयोग नहीं दे पाता है तो फिर से कॉपी और चेक करने का निर्देश पारित हो सकता है। इसी के साथ साल 2022 का पीसीएसजे का रिजल्ट भी फिर से रिलीज किया जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएसजे के एक अभ्यर्थी की आंसर शीट बदलने के कथित मामले में 5 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस बीच आयोग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकार किया है कि परीक्षा में धांधली हुई और 50 कॉपियों में अदला बदली की गई है। हाई कोर्ट ने और क्या कुछ कहा विस्तार से समझिए। कल यानी सोमवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि मुख्य परीक्षा की कॉपी में हुई गड़बड़ी को दूर किया जाएगा और जरूरत हुई तो फिर से रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इस तरह एक बार फिर रैंक लिस्ट बन सकती है और जो लोग पदों पर काबिज होकर काम शुरू कर चुके हैं उसमें भी बदलाव होने की संभावना है। आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ से दाखिल हलफनामे में इस ओर संकेत मिले हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हलफनामे में दी गई जानकारी पूरी नहीं है, इसलिए नए सिरे से नए हलफनामा दाखिल किया जाना चाहिए। बता दें कि ये याचिका श्रवण पांडे ने दायर की है जिस पर न्यायमूर्ति एचडी सिंह और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। इस बाबत कोर्ट ने साफ किया है कि हलफनामे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। पहले ये साफ किया जाए कि अगर परिणाम फिर से जारी होता है तो कितने कैंडिडेट इलेक्शन लिस्ट से बाहर होंगे और कितने नए लोग इस लिस्ट में शामिल होंगे। इसके साथ ही जो लोग नियुक्त हो चुके हैं और काम शुरू कर चुके हैं उनको लेकर क्या फैसला किया जाएगा, ये सब जानकारियां उपलब्ध कराने का निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। उसके बाद ही इस मुद्दे पर विचार होगा। पूरा मामला क्या है समझिए। पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 के अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने आरटीआई के तहत अपनी आंसर शीट देखी। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी अंग्रेजी की आंसर शीट की लिखावट अलग थी और दूसरी आंसर शीट के कुछ पन्ने फटे हुए थे जिसके कारण वो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो सके। इसके बाद हाईकोर्ट ने 5 जून 2024 को यूपी पीसीएसजे को याचिकाकर्ता के 6 प्रश्न पत्र की आंसर शीट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। आयोग ने 7 जून 2024 को हाईकोर्ट में उपस्थित होकर हलफनामा दिया कि मामला प्रकाश में आने के बाद मुख्य परीक्षा में शामिल अभी 3019 अभ्यर्थियों की 18042 आंसर शीट की जाँच की जा रही है ताकि मूल्यांकन के दौरान उनकी पहचान गुप्त रखी जा सके। इस बीच आयोग 20 जून से अभ्यर्थियों को आंसर शीट भी दिखानी शुरू कर दी है। पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उनके क्रमांक के अनुसार 30 जुलाई तक उनकी कॉपियां दिखाई जाएंगी। अब तक 232 अभ्यर्थी अपनी आंसर शीट देख चुके हैं। यूपी न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2022 का आयोजन 22 से 25 मई 2023 के बीच किया गया था। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 1 अगस्त को घोषित किया गया था जबकि फाइनल रिजल्ट 30 अगस्त को जारी किया गया था।